इन लोगों ने पहले बिल बनाया था पूरा प्रॉपर 7,000 रुपये का, लेकिन अब इन लोगों ने बढ़ाकर सीधे 15,000 रुपये बोल दिया। और 4 दिन से बाइक अपने पास रखी है और उसको 2-3 बार खोल दिया इन लोगों ने। यार उनको दिक्कत अगर थी उसमें तो इनको पहली बारी में सॉल्व करनी चाहिए थी, तो 3-4 बार खोल के बोल रहे हैं हर समय कुछ नई प्रॉब्लम निकलेगी नई प्रॉब्लम निकलेगी, तो ये कर करके। गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और अभी बस थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठा हूँ और आज सुबह से मम्मी पिंकी पे बहुत गुस्सा हो रही थी क्योंकि सुबह सुबह आज उठी, मम्मी तो उठ नहीं पाई सुबह जल्दी, तो ये उठते ही सीधा चले गई बिना कुछ खाए। और दिन मम्मी उठती है तो उसको खिलाकर भेजती है थोड़ा, इतनी सुबह सुबह तो खाने का मन किसका ही करता है, तो केले बादाम खाकर जाती है, लेकिन आज ऐसी चले गई है तो मम्मी इस पर आज गुस्सा उड़ी थी। क्या हुआ तो सुबह सुबह क्यों आवाज लगा रही है इतनी? ये जल के नहीं रहा है। तो गैस चलाना ही नहीं आ रहा है, ला छोड़। गैस बहुत ज्यादा हो गई है तो वो ब्लास्ट करवाएगी, देख स्मेल कितनी ज्यादा आ रही है। तो मैं भी मूड हो रहा था और इसने ये चिल्ला रही कि गैस ही नहीं चल रहा है इससे, और यहाँ गैस कितनी ज्यादा स्मेल आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। चलो अब ऑन करो, हम जला कर दिखाएंगे। ऑन करो। क्या है? अरे अरे गैस जलाना नहीं आ रहा, कैसे काम करोगे कल परसों ससुराल में? है पिंकी? अरे वो हो गया था गलती से ना, जल जाता हूँ। ससुराल में फेल हो जाओगे ऐसे तो तुम। मुझसे भी जल जाता वो, ऐसे कुछ नहीं है, मेरे हाथ में दर्द हो रही थी। और अभी पी रही है मैडम चाय। अच्छी चाय नहीं तो अभी था, मैं भी अभी सुबह की चाय पी रहा हूँ, आज मेरा ही मन हो गया। नानी को बोल दिया अदरक मार के। क्या चाय से बनाई? बोली नानी को परसों, बोली नानी जल्दी चाय बनाती है तो आज बोल रही है चाय बहुत अच्छी बनाई है। डर गई उस दिन, तो ऐसी जोक मार रही थी। नीनी अच्छी बनाई है यार, अच्छी ही बनाती है, तेरे को तो चीनी चाहिए बस, कूट कूट के कूट कूट के कह रहा हूँ, सॉरी भर भर के चीनी कौन कूटता है। ऑनलाइन सामान मंगा रखा था, वो आया, वो ले आते हैं। भैया OTP 2605 है। OTP ये है क्या भैया? थैंक यू भैया। अभी जस्ट जिम से घर पहुँचा हूँ मैं, और अभी मेरे को वहाँ से कॉल आया था जहाँ मैंने बाइक दे रखी है अपनी, तो उन लोगों ने बोला आपकी बाइक स्टार्ट कर दी हम लोगों ने, आप आ जाइएगा लेने के लिए। तो मैंने उनसे बजट के बारे में बात करी तो वो बोल रहे हैं 15,000 रुपये। तो जो हमारी पहली बात हुई थी कि 7,000 रुपये में पूरी बाइक फाइन कर दे देंगे, मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि आप 1.5 लाख की चीज़ में 2 लाख रुपये खर्च कर रहे हो, तो ये तो मतलब कहीं से वर्थ इट ही नहीं लगा मेरे को। इन लोगों ने पहले बिल बनाया था पूरा प्रॉपर 7,000 रुपये का, लेकिन अब इन लोगों ने बढ़ाकर सीधे 15,000 रुपये बोल दिया। और 4 दिन से बाइक अपने पास रखी है और उसको 2-3 बार खोल दिया इन लोगों ने। यार उनको दिक्कत अगर थी उसमें तो इनको पहली बारी में सॉल्व करनी चाहिए थी, तो 3-4 बार खोल के बोल रहे हैं हर समय कुछ नई प्रॉब्लम निकलेगी नई प्रॉब्लम निकलेगी, तो ये कर करके उनने 15,000 रुपये का बजट बना दिया है। तो चलते हैं अभी, देख कर आते हैं, जीजू भी आ रहे हैं अभी, तो हम दोनों जाएंगे और क्या प्रॉब्लम है देख कर आते हैं। तो फाइनली बाइक उठा ली हमने बहुत सारी बहसबाजी के बाद, 13,700 में डील पूरी हो गई है। तो अब देखते हैं, काम तो बढ़िया कर रखा भैया लोगों ने, बस बात पैसों की नहीं है, बात है कि हम लोगों की उनकी तरफ से भी कुछ वो नहीं आया रिस्पांस कि हम इतना पैसा लग रहा है ये वो, और मतलब वो चीज़ कंफर्म नहीं हो पाई। बाइक तो मिल गई तो अब लेकर चलते हैं इसको, काम भी काफ़ी कर रखा है उनने बाइक में, तो चलते हैं अब घर, सीधा इसको घर लेकर चलते हैं। उससे पहले देखते हैं कि चल कैसे रही है। तो पहले से फार बेटर कर दिए भैया ने, फार बेटर क्या, बहुत ज़्यादा बेटर कर दी है, काफ़ी बढ़िया चल रही है। अभी उनने बोला है कि अभी थोड़ा इंजन सेट होने में टाइम लगेगा, तो उसको भगाना मत, तो धीरे धीरे ही चलेंगे अभी कुछ टाइम, एक हफ्ता तो धीरे धीरे ही चलाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या रिस्पॉन्स है इसका। तो बहुत मज़ा आ रहा है इतने दिनों के बाद अपनी बाइक चला के, वो भी इन गुड कंडीशन। और जहाँ रही तारीफ की बात, गाड़ी की बहुत तारीफ कर रहे थे वो लोग, बोल रहे थे कि इसका इंजन अभी तक बिल्कुल भी मतलब टस का मस नहीं हुआ है, एक भी बिल्कुल भी साउंड नहीं है इसके इंजन में, तो बोल रहे थे वेल मेंटेन है गाड़ी। तो वैसे भी सिंगल हैंड ही थी ये गाड़ी, मैं ही चलाता था इसको ज़्यादातर।
तो पॉलिश भी एकदम प्रॉपर कर रखी है इसमें, एकदम चमका कर दिए भैया ने। ओ ओ हो क्या बात है, कहाँ चले? बहुत दूर जा रही है। कहाँ बहुत दूर, बता दो सही। अरे बता दो दो क्या है भाई, फोन है, कैमरा है, खाने का थोड़ना है, कुछ कुछ खाने का सामान थोड़ना है, कैमरा है। क्या खाएगी बहन, क्या खाएगा भाई? तू ये देखो केला खाने वाले डॉगी। रॉक्सी सिट, ले डाउन रॉक्सी, ले डाउन तभी मिलेगा। ले डाउन ले डाउन ले डाउन ले डाउन, इंतजार बढ़ता रहेगा तुम्हारा। ले डाउन, चलो दो दे दे रॉक्सी ले। अरे अरे इको ए क्या है उसका, क्यों खा रहा है तू? लड़ाई करेंगे आए उसको इस बदमाश ने, उसके काट। देखो रॉक्सी बिचारी क्यों खाया, क्यों खाया? पिंकी छोड़ यार, कहाँ जा रही है आज तू? कोचिंग छोड़ना, बता वहाँ चल रहे हैं, मैगी पॉइंट चल रहे हैं मैगी खाने है? हाँ बता। हाँ है खाने के लिए से मैं छोड़ सकती हूँ। चल फिर चल, मैगी पॉइंट चल रहे हैं आज, पक्का पक्की बात है। पिंकी और मैगी पॉइंट बेटा डंडे मारेंगे, कुछ नहीं कहेंगे यार, ढोलों को मैं संभालूंगा, टेंशन नहीं है। घूमने गई है वहाँ, गैंगस्टर आ रखी है गैंगस्टर, और हर्षित जी जो लोग सब बैठे हैं यहाँ पे, बढ़िया। और अभी बन रहा है मैगी खाने का प्लान, तो अभी प्लान बन रहा है मैगी खाने का भी। जीजू एक स्टाइल से बता रहे थे कि मैगी ऐसे नहीं, ऐसे अच्छी बनती है, थोड़ी कच्ची कच्ची सी, तो सबका मन हो गया मैगी खाने का, तो मैगी खाने के लिए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप में आए थे पेट्रोल भराने के लिए, और ये देखिए आप पेटीएम के कितने बड़े बड़े लगा रखे हैं इन लोगों ने स्कैनिंग के लिए, वो वहाँ से भी कर देगा बंदा स्कैन। क्यों और सिर्फ पेटीएम के बड़े बड़े ही थे यहाँ पे, मशीन तो ख़राब हो रही है, पेट्रोल नहीं है, तो अभी कहीं और चलते हैं भराने के लिए। तो मैगी का प्लान तो कैंसिल हो गया, अभी यहाँ पे बन रहा है पास्ता और सोया चिली। तो अभी हम लोग रेड टेप में आए थे जीजू को, तो यहीं पे थोड़े कपड़े देख रहे हैं जीजू। आज जीजू देख रहे हैं कि कल लेने आना है कि नहीं सामान, आज जीजू देख रहे हैं कि कल लेने आना है कि नहीं आना है सामान, तो इसलिए आ रहे हैं। विंडो शॉपिंग, तो शॉपिंग भी होगी, अब चलते हैं घर को। थैंक यू भैया। ओके सर, तो जीजू को भी बाय करते हैं। चलो ठीक है फिर जीजू, ओके मिलते हैं। रात भी ज़्यादा हो गई है, एडिटिंग भी करनी है, तो उस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। तो मम्मी ने अभी चीनी खाली करी, देखो ये क्या कर रही है, इसने अपने सर में करी शेफ बन गई मैं, क्या हरकतें हैं यार तेरी, ऐसे कर ले इसको। शेफ बन गई मैं।